दर्शकों नमस्कार। जब हम महिला के स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं तो उसमें बांझपन जो है, इनफर्टिलिटी एक मुख्य समस्या है। WHO के अध्ययन के अनुसार पूरे विश्व भर में लगभग 5 करोड़ दंपतियां ऐसी हैं जो बांझपन से जूझ रही हैं। जहां तक हमारे भारत का सवाल है, भारत में भी जो 15% हमारे दंपतियां हैं, जोड़े हैं, कपल्स हैं, वो संतान सुख से हीन है, संतान के लिए तरस रहे हैं। ऐसा क्या कारण है, इसका क्या उपाय और उपचार हो सकता है, आइए इसके बारे में जानें। और इस पर चर्चा करने के लिए, इस पर बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं डॉक्टर ईशा जी। डॉक्टर ईशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दूरदर्शन के स्टूडियो में। जी डॉक्टर साहब, देखा जाए पूरे विश्व भर में करोड़ों जो दंपतियां हैं वो संतान के लिए तरस रही हैं। हमारे भारत में भी 15% जो दंपतियां हैं, जोड़े हैं, वो बांझपन से जूझ रहे हैं। इसका क्या मुख्य कारण है इस इनफर्टिलिटी का, बांझपन का? जी बिल्कुल, जी आपने सही बोला कि इनफर्टिलिटी जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखी जा रही है। जी बिल्कुल, 15 से 20% आजकल देखी जा रही है प्रेवलेंस इनफर्टिलिटी भारत में। जी भारत में। अब अगर आप इसके कारण पूछें तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जी जी। टिपिकली आजकल जो रिसेंटली देखा गया कि इनफर्टिलिटी की मात्रा पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, इसके कारण हो सकते हैं हमारा लाइफस्टाइल और लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे कि PCOS एक प्रॉब्लम है जो एक हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। उसमें एक हमारी डाइट में फास्ट फूड, जंक फूड का सेवन ज़्यादा होना, घर का पौष्टिक आहार खाने की जगह बाहर का जंक फूड ज़्यादा खाना, फिर उसके बाद एक्टिविटी लेवल बहुत कम होना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना। क्या ये इनफर्टिलिटी से लिंक्ड है, संबंधित है जी सारा जीवनशैली? जी, इन सब से PCOS की मात्रा बढ़ती है और PCOS एक डायरेक्ट कॉज है इनफर्टिलिटी का। जी जी। तो PCOS क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जनरल भाषा में जी हमारे दर्शकों को बता दें। जी बिल्कुल, PCOS या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जिसे बोलते हैं, तो इसमें बच्चेदानी में कोई डिसऑर्डर, विकृति पैदा हो जाती है। जी, जैसे कि नाम में है पॉलीसिस्टिक ओवरीज, तो ओवरी मतलब कि अंडेदानी में काफी सारी सिस्ट होना, ठीक है, छोटी छोटी रसोलियां होना। जी जी। एक ये इसकी एक मेजर मैनिफेस्टेशन होती है। जी जी। उसके अलावा पीरियड्स में इरेगुलरिटी होना, पीरियड अपने टाइम से लेट आना, उनका फ्लो कम होना, 4 महीने 6 महीने पीरियड्स ना आना, एक पहला एक ये सिम्टम होता है। उसके अलावा जिसको हम बोलते हैं हाइपर एंड्रोजेनिक सिम्टम्स, मतलब कि मेल सिम्टम्स ज़्यादा होना, जैसे चेहरे पे पिंपल ज़्यादा होना, एक्ने ज़्यादा होना, फेशियल हेयर ज़्यादा होना, हेयर लॉस, बाल एक्सेसिव झड़ना, दूसरा सिम्टम ये होता है। गर्भधारण को रोकते हैं जी, बांझपन को बढ़ाते हैं, इनफर्टिलिटी को। जी जी। और तीसरा इसमें होता है अल्ट्रासाउंड में ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट होना, पॉलीसिस्टिक ओवरीज होना। जी जी। तो इसी को बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज। अब इसकी क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ज़्यादातर अनमैरिड और यंग गर्ल्स में सिम्टम्स होते हैं, मुंह पे ज़्यादा बाल होना, पिंपल्स होना, हेयर लॉस होना, तो उनका कॉस्मेटिक अपेयरेंस जो कि काफ़ी उनको बॉदर कर सकता है, और दूसरा पीरियड जो क्रीमें या पाउडर लगाते हैं बाहर से सुंदर बनने के लिए। जी जी जी। और क्या इसको नहीं लगाना चाहिए सेहत जी के लिए? उनका ज़्यादा इसमें रोल नहीं है। जी, उसका जी, आपको ट्रीटमेंट ही लेना पड़ता है। जी जी। दूसरा यंग गर्ल्स में सिम्टम होते हैं पीरियड्स की इरेगुलरिटी, जैसे मैंने आपको बताया। मैरिड फीमेल्स में ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग सिम्टम होता है इनफर्टिलिटी या बांझपन जिसे आप कह रहे हैं। जी जी। कंसीव होने में प्रॉब्लम होना। जी जी। बहुत गर्भधारण करने में। जी, जी जी। बहुत बड़ा सिम्टम यही होता है मैरिड लेडीज में। जी जी। और आगे चल के इससे डायबिटीज का भी इंसिडेंस बढ़ सकता है, हार्ट डिजीजेस का भी बढ़ सकता है, डिसलिपिडीमिया या इनफर्टिलिटी से, PCOS से, PCOS आगे चल के आगे उम्र में डायबिटीज, हार्ट डिजीज, डिसलिपिडीमिया, मतलब कि फैट रिलेटेड डिसऑर्डर, सब कुछ कॉज कर सकता है। तो एक ये मेजर कारण है बांझपन का। उसके अलावा लेट मैरिज होना, लेट चाइल्ड बेयरिंग प्लान करना,
बिकॉज देखा गया है कि महिलाएं आजकल अपने करियर पे स्टडीज में इतना फोकस कर रही हैं कि उनकी शादी ही लेट हो रही है 30 साल के बाद या 35 साल के बाद। तो एज के साथ तो फीमेल्स की फर्टिलिटी बहुत जल्दी कम होनी शुरू हो जाती है क्योंकि उनमें एग्स का जो काउंट होता है, जी जी जो आपको पता है जैसे हर साइकिल में एक एग रिलीज होता है और पीरियड्स आते हैं, तो ये उम्र के एग्स, हिसाब से जी हाँ जी, ये कम एग्स शरीर में हर साइकिल में हर महीने कम होते जा जी रहे जी हैं। और जैसे जैसे आयु थर्टी बढ़ती जाती है हाँ उम्र जी और जी 30 35 ईयर्स के बाद ये बहुत कम हो जाते हैं, तो जी फिर जी प्रेगनेंसी होने में काफ़ी मुश्किल हो जाती जी है। जी उसके अलावा कुछ कारण हो सकते हैं इन्फेक्शंस, PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ या इन्फेक्शन, बच्चेदानी का इन्फेक्शन जो होता है वो भी एक कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का। उसके अलावा मेल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे जी जी मेल्स जी में जी भी। जी हम तो महिलाओं के विशेष रोगों को ले रहे हैं, जी तो इसलिए महिलाओं के बारे में हम ज़्यादा फोकस कर रहे जी हैं। जी जी बिल्कुल जी जी जी, तो इनफर्टिलिटी के यही कॉजेज हैं। क्या ये बांझपन को उपचार करके संतान का सुख लिया जा सकता है? ऐसा उपचार है? जी बिल्कुल। क्या करना चाहिए ऐसे रोगियों को, ऐसे कपल्स को? जी देखिए, जब अगर प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं जी और जी नहीं हो रही है, अगर 6 महीने 1 साल आपने नेचुरली ट्राई कर लिया है और अगर आप नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो आपको इवैल्यूएट करें, वो देखें कि क्या कारण है आप में जो कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही। उसमें वो मेल को और हस्बैंड को, वाइफ दोनों को चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या कारण है और उसका आपको ट्रीटमेंट देंगे। आजकल बहुत सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहले तो कुछ इंजेक्शंस या मेडिसिन से ठीक किया जाता प्रेगनेंसी था जी प्रेगनेंसी बात कर सकते हैं। जी जी उसके अलावा आजकल आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जिसे बोलते IVF हैं, जिसे कहा जाता जी, है जी जी उसमें IVF या लोगों की भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको कहते जी हैं, जी तो उसकी फैसिलिटी इतनी बढ़ गई है, उसमें इतनी तरक्की हो गई है कि ऑलमोस्ट हर इनफर्टाइल कपल को किसी ना किसी ART मेथड से बेबी का सुख मिल सकता है। डॉक्टर साहब, देखा गया कि लोग इसके लिए लाखों रुपया अपना खर्च कर देते हैं, जी लेकिन बहुत से ऐसे मामले देखने को आए हैं जिनको फिर भी इसकी इसमें सफलता नहीं मिली है, संतान की सुख प्राप्ति नहीं हुई है, उसका कारण? जी डेफिनेटली इसका ट्रीटमेंट है तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोड्यूस करने में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं जी और जी इसका सक्सेस रेट भी एक लिमिटेड ही जी जी है, जी तो कभी कभी एक से ज़्यादा साइकिल लेने पड़ सकते हैं IVF के। अगर उसमें भी आपको नहीं मिल रही है सफलता, तो कभी कभी अपने एग्स नहीं तो डोनर एग लेना पड़ सकता है या डोनर स्पर्म लेना पड़ सकता जी है। जी अगर वो भी फेल हो जाता है तो कभी कभी सरोगेसी की ऑप्शन देखनी पड़ती है, सर, मतलब कि गोद किसी और औरत गोद में बच्चा लेना का, चाहिए हाँ, किसी का? गर्भ लेके उसमें बच्चा इम्प्लांट किया जाए। जी जी तो ये सारी ऑप्शंस हैं और किसी ना किसी ऑप्शन से जरूर आपको सफलता अगर मिलेगी। नहीं मिले तो इससे ऐसे भी संतोष करने की जी बिल्कुल, जरूरत है। जी बिल्कुल, जहाँ पे सब ये साइंस फेल हो इनफर्टिलिटी के जाए। बारे में बताया, हाँ जी एक सब फर्टिलिटी होती है कि एक बार संतान की उत्पत्ति हो गई, हाँ जी दूसरी बार उत्पत्ति नहीं होती है, जी उसका क्या कारण रहता है? देखिए, कारण उसमें भी सेम ही होते सेम ही हैं, है हमें सेम ही कॉजेस के लिए चेक करना है कि इस भाई, बार एक बार क्या। गर्भधारण कर लिया हाँ जी, लेकिन दूसरी बार सफलता नहीं मिली। या उसमें भी यही कारण हो सकता है कि बहुत सालों के बाद अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, तो हो सकता है आपके अंडे ही कम हो गए हों जो एज के साथ कम होते हो जाते हैं, या हो सकता है कि बाद में PCOS की प्रॉब्लम डेवलप हो जाए, या ट्यूब्स में कोई ट्यूब्स किसी कारण से जैसे इन्फेक्शन के कारण से बाद में बंद हो जाएं, जी जी या हस्बैंड में कोई एक फैक्टर है जो कि सब ऑप्टिमल है और इसलिए प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो फैक्टर्स हमें सारे वही फिर से देखने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, बांझपन का और कैंसर का क्या आपस में कोई संबंध है? क्या बांझपन होने से कैंसर का भी कुछ हो सकता है, या कि जो महिलाओं में कैंसर होते हैं? देखिए, डायरेक्टली तो कोई रिलेशन नहीं है, जी पर जी जो कॉज बांझपन कॉज कर रहे हैं जी जी वही उनमें से आगे चल के कैंसर कॉज कर सकते जी हैं, जी उस पर जैसे प्रभाव कि पड़ता है। जी जैसे जी कि इन्फेक्शंस हो गए, या कोई सिस्ट है जो कि इनफर्टिलिटी कॉज कर रही है, वो आगे चल के कैंसर भी कॉज कर महिलाओं सकती में है। विशेषकर किन ज्यादा कैंसर, किस प्रकार के कैंसरों की संभावना रहती है? हाँ जी, देखिए, अगर हम गायनी के कैंसर्स की बात करें तो सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर, मतलब जी कि बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसको सर्विक्स कहते हैं, जी जी और उसमें कैंसर होना इंडिया में बहुत कॉमन है, जी सबसे जी कॉमन कैंसर वही उसके है। कारण?
उसके कारण होते हैं, एक उसका डायरेक्ट कारण है एक वायरस इन्फेक्शन जिसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं, जी, उसकी इन्फेक्शन की वजह से ये वाला कैंसर हो सकता इससे है। कैसे बचा जा सकता है इस संक्रमण जी से? जी गुड न्यूज़ ये है कि इस वायरस की हमारे पास एक बहुत इफेक्टिव वैक्सीन है जी, जी, एक इंजेक्शन, एक वैक्सीन से आप इस वायरस से बढ़ सकते हो, बच सकते हो जो आगे चल के कैंसर कॉज कर उस रहा है। इंजेक्शन का नाम बता सकते हैं आप क्या है? जी HPV है वैक्सीन का नाम, जिसका ब्रांड नेम है सर्वारिक्स या गार्डासिल करके आता है इस वैक्सीन का ये नाम। कब लगाना चाहिए? जी सबको लगाना चाहिए? अगर जिनको जो शिकायत नहीं है या लक्षण नहीं दिखाई देते हैं इसके कैंसर के, वो भी लगा सकते हैं बिल्कुल, जो वैक्सीन होती है वो हर एक के लिए, एज ए प्रिकॉशन मेजर्स हर के एक के लिए? लिए प्रिकॉशन एडवाइजेबल है, ये कब लगाना क्योंकि चाहिए? इसका जो एज ग्रुप है जी, 9 ईयर्स के बाद सभी लड़कियों को एडवाइजेबल है कि ये वैक्सीन लगाएं, 9 वर्ष के बाद? 9 वर्ष के बाद ही। जी और सबसे इफेक्टिव ये तभी है अगर लड़कियां शादी से पहले ही ये वैक्सीन लगाएं, जी मतलब जी जी सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले ही ये वैक्सीन लगाएं, तभी ये मोस्ट इफेक्टिव है। जी जी बट अगर किसी और कारण, मासिक धर्म आने से पहले जे नहीं लगा? मासिक धर्म नहीं, सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट अच्छा, होने से सेक्सुअल पहले, एक्टिविटी। जी, जी शादी के से पहले ही अगर ये लगाएं तभी ये मोस्ट इफेक्टिव है। बट अगर किसी कारण आपकी ये वैक्सीन मिस हो गई है, आप तब भी मैरिड लेडीज भी लगवा सकती हैं 45 साल की उम्र तक। तो अब WHO ने एज लिमिट बढ़ा दी है कि 9 साल से 45 साल तक सभी महिलाएं ये वैक्सीन लगाएं, बट प्रेफर्ड यही है कि शादी होने से पहले ही लगाएं। ये बहुत ही खुशखबरी है कि जी इससे बचा जा सकता है जी ओवरियन कैंसर से। जी सर्वाइकल कैंसर से। सर्वन जी इसकी अगर आप 15 साल से पहले लगाएं तो 2 ही डोजेस होती हैं, और 15 साल की उम्र के बाद लगा रहे हैं तो 3 डोजेस तो होती है। ओवरियन कैंसर वो अलग है? जी ओवेरियन कैंसर अलग है, अनफॉर्चुनेटली उसकी हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन हमारे पास सिर्फ एज प्रिकॉशन सर्वाइकल। मेजर्स क्या लेना चाहिए इसमें? प्रिकॉशन मेजर्स यही है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम हो रहा है, जैसे कि अगर आपको निचले पेट में दर्द है, या अगर आपको कोई मास फील होता है, ब्लोटिंग होती है, या ज़्यादा एसिडिटी होती है, पेट में भारीपन लगे, या ऐसे प्रेशर लक्षण सिम्टम मिले? लगे, जी, ऐसे कोई लक्षण लगे तो आप अपने डॉक्टर से चेकअप कराएं, वो आपका सूटेबल अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन करा के देखेंगे कि अगर कोई मास है तो उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब, करेंगे। जाते जाते एक और, ब्रेस्ट कैंसर जो आजकल बहुत प्रचलन में है हमारे देश में, उसके काफी मामले बढ़ रहे हैं, जी इसके बारे में क्या आप सुझाव देना चाहेंगे दर्शकों को? जी ब्रेस्ट कैंसर, देखिए ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत कॉमन कैंसर है महिलाओं का, तो इसके लिए एडवाइजेबल है कि हर महिला अपना एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करे, मतलब खुद अपने स्तन का एक चेकअप करे। उसमें ये कहीं होता दर्द है, नहीं हो रहा है, ऐंठन नहीं है, या और कई प्रकार के लक्षण जो है? जी कोई सिम्टम नहीं है, और खुद एक एग्जामिनेशन भी करें जिसमें खुद ही अपने ब्रेस्ट को इनर से आउटर क्वाड्रेंट में चेक करके, हाथ से पैल्पेट करके देखें कि कोई गिल्टी, कोई नोड्यूल, कोई मास तो नहीं फील हो रहा है, कोई उनको एबनॉर्मल स्वेलिंग तो नहीं लग रही है, और अगर लग रही है तो अपने डॉक्टर से चेकअप कराएं जो कि आपका अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी करके कंफर्म क्या करेंगे। पेन भी इसका कोई लक्षण होता है? जी पेन होना, एबनॉर्मल डिस्चार्ज, निप्पल से डिस्चार्ज होना, अच्छा, कोई मास होना, स्वेलिंग होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। जी, इसको चेकअप करवाना, यही इसका जी प्रिकॉशंस है। खुद हर महीने अपना चेकअप करना, और कुछ सस्पिशियस लगे तो डॉक्टर से चेकअप डॉक्टर के कराना। जरूर सलाह लेनी। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, जी दर्शकों को इन महिलाओं की बीमारियों के में के लिए बहुत अच्छी जानकारी प्रदान की, इसके लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और अपने दर्शकों से मेरी कॉन्वर्सेशन कराने के लिए, थैंक यू। तो दर्शकों, आपने भी जान लिया कि डॉक्टर साहब ने जो जो भी आपको अच्छी बातें बताई हैं, वो अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर अपनाएं और सुखी जीवन जिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।